वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्री ज्ञान। कल हमने डिस्कस किया था मशरूम की डेफिनेशन और थोड़ा सा और बेसिक, तो आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मशरूम। तो सबसे पहले इसको देखते हैं न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस क्या होती है इसकी। तो सबसे पहले कि इसको कहाँ कैसे कैटेगराइज करते हैं, इसको रखते हैं हम मीट एंड वेजिटेबल के बीच में। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो मीट से थोड़े से कम होते हैं और वेजिटेबल से ज्यादा होते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं प्रोटीन इसमें 3.7%, कार्बोहाइड्रेट 2.4%, अदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। बट ये जरूरी नहीं है कि सेम रेशियो में हो, अलग अलग मशरूम की वैरायटी पे डिपेंड करता है कि अलग अलग न्यूट्रिशनल वैल्यू होगी। मशरूम हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, सॉरी लो कैलोरीफिक वैल्यू, तो इससे हमको खाने से हमको कैलोरीज कम मिलती है, तो इसमें मोटापे में कमी आती है। एंड हाई फाइबर कंटेंट, तो हमारा डाइजेशन ठीक रहता है, फाइबर वाले फूड लेने से हमारा डाइजेशन सही रहता है। और एंड हैव सोडियम पोटेशियम रेशियो, एंड हैव हाई सोडियम पोटेशियम रेशियो, तो ये क्या रहता है हमारे डायबिटिक और हाइपरटेंशन के जो पेशेंट होते उनको भी डॉक्टर ये मशरूम रिकमेंड करते हैं, क्योंकि जो पोटेशियम है वो हमारे माइंड्स के लिए बहुत ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है। मशरूम है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, तो क्वेश्चन आता है कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है क्या, तो कुछ नहीं, सिंपल है। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती और उनको हमको बाहर से कंज्यूम करने की जरूरत होती है। एंड न्यूट्रिएंट्स रिटेन इवन आफ्टर कुकिंग, तो इसको वेजिटेबल्स से अब इसलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि वेजिटेबल्स में क्या होता है, मोस्टली वेजिटेबल्स में कुकिंग के बाद न्यूट्रिएंट्स थोड़े कम हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, और मशरूम में क्या होता है कुकिंग के बाद भी न्यूट्रिएंट्स बने रहते हैं। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखते हैं मशरूम की। तो जैसे कि आपको पता है कि रिक्वायर्ड लेस स्पेस एंड लेस टाइम, तो इसमें क्या होता है मशरूम को हम एक छोटे से रूम पे भी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रो कर सकते हैं, और इसकी क्रॉप्स भी काफ़ी अदर क्रॉप्स के कंपैरिजन में काफ़ी जल्दी ग्रो हो जाती है। तो अब पढ़ते हैं हम स्पान के बारे में। तो सबसे पहले आपको लिखा दिख रहा होगा कि मशरूम्स सीड, ये कटा हुआ है प्रोपेगेटरी मटीरियल। तो क्या होता है कि मशरूम के जो स्पान है उसको हम सीड नहीं बोल सकते, एक्चुअल में वो मशरूम का सीड ही होता है पर उसको हम सीड नहीं बोलते, क्योंकि वो सीड के प्रोसेस से नहीं बना होता, वो टिश्यू कल्चर से बनाते हैं हम, तो इसलिए बोलते हैं प्रोपेगेटरी मटीरियल ऑफ मशरूम। तो मशरूम की डेफिनेशन क्या है, द वेजिटेटिव माइसीलियल नेटवर्क ऑफ अ मशरूम डेवलप्ड आफ्टर द जर्मिनेशन ऑफ वन और मोर फंगल स्पोर ऑन अ कन्वीनियंट मीडियम। तो माइसीलियल नेटवर्क क्या हुआ, जैसा कि हमने डिस्कस किया था जब हमने देखा था कि मशरूम का स्ट्रक्चर, जो मशरूम की जो रूट्स का जो पार्ट था उनको माइसीलियम बोलते हैं, तो जो वो ग्रो करेगा उसका ज़्यादा से ज़्यादा तो उसको नेटवर्क सा बनेगा, तो माइसीलियल नेटवर्क कहलाता है। और कन्वीनियंट मीडियम, कन्वीनियंट मीडियम का मतलब है कि यहाँ पे जो टिश्यू कल्चर करने के लिए हम जो मीडियम यूज़ करेंगे, जैसे कि पीडीए, पोटैटो डेक्सट्रोज, अगार और भी सारे मीडियम होते हैं, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने बात की थी कि जो हमारा स्पान प्रोडक्शन है वो कहाँ पे करना है, एक कन्वीनियंट मीडियम पे। तो वो मीडियम क्या रहेगा, तो वो मीडियम है ये पीडीए, पोटैटो डेक्सट्रोज एगर मीडियम। तो इस पे हम क्या करेंगे, अपना स्पान प्रोडक्शन करेंगे। तो इस पीडीए को कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या क्या मटीरियल रिक्वायर्ड होता है। सबसे पहले हमको चाहिए पील्ड एंड स्लाइस्ड पोटैटो 250 ग्राम्स, एंड डेक्सट्रोज विच इज सिंपल शुगर मेड फ्रॉम कॉर्न और ग्लूकोज, वाटर 1000 ml। प्रिपरेशन के स्टेप्स, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास जितना भी मटीरियल था, जैसे कि वो स्लाइस्ड पोटैटो था और 1000 ml वाटर, तो 1000 ml वाटर में उन स्लाइस्ड पोटैटोस को डालेंगे और उनको बॉयल करेंगे फॉर 25 to 30 minutes, और उसके बाद बॉईल करने के बाद उसको वो फिल्टर कर लेंगे मसलिन क्लोथ के थ्रू। इसके बाद क्या करेंगे, जितना भी एक्सट्रैक्ट निकला उसको फिर से बॉयल वाटर ऐड करेंगे और उसमें डेक्सट्रोज
और अगार अगार पाउडर यूज़ करेंगे। अगार अगार एक सी वीड होता है, उससे पाउडर एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे में हमारा जब हमारा टोटल 1000 ml बन जाएगा, तो उसको क्या है, अगार अगार पाउडर और डेक्सट्रोज डाल के उसको मिक्स कर लेंगे, तो हमारा मीडियम तैयार हो गया है। तो अभी हमने डिस्कस किया था इम्पोर्टेंस ऑफ मशरूम एंड स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडियम। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम स्पान प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।